एवरीवन, तो कल का व्लॉग जो था वो मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं गई थी दीदी के घर और दीदी के घर हो गया मेरे को पूरा दिन बच्चों के साथ और फिर मैंने व्लॉग बनाया नहीं क्योंकि मैं उनके साथ खेल रही थी तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला व्लॉग बनाने का। और फिर मार्केट से घर एंड और कल इतना ट्रैफिक था क्या ही बताऊँ। कल आपने देखा ही था किस तरीके का ट्रैफिक था, आपने नहीं देखा था मतलब मैंने देखा था और बड़ी ही बुरी हालत हुई थी मेरी उस ट्रैफिक में। सच बताऊँ तो मतलब जब से मैं ड्राइव कर रही हूँ कल मुझे फर्स्ट टाइम इतना ट्रैफिक मिला है जो कि मतलब धक्के दे दे के गाड़ी चल रही थी मतलब इतनी गंदे तरीके से, वो भी चढ़ाई हुई जाम लगा हुआ था। कल मुझे फर्स्ट टाइम गाड़ी चलाते बहुत डर लगा, इतना तो जब मैं सीख रही थी तब भी डर नहीं लगा था बट कल मुझे बहुत डर लगा। फर्स्ट फिर भी मैं चला के लेके गई, वो चला के लेके आई और कल मैं डर गई थी। एक टाइम पे मैं डर गई थी, मेरे से गाड़ी हो गई बंद, पीछे भी गाड़ी आगे भी गाड़ी, हो गया काम। और फिर मेरे को आइडिया आया कि एसी बंद करके गाड़ी चलाई जाए, फिर चल गई। तो अभी मैं जा रही हूँ वापस जम्मू क्योंकि मैं परसों शाम को आई थी तो परसों शाम को मुझे कुछ काम था उधमपुर में, पहले वो किया और कल भी काम था मुझे, कल वो वाला काम किया और आज मुझे वो कुछ करना है। मतलब आज तो मेरा पहले मुझे क्लास में जाना है, 12:30 बजे क्लास है, टाइम हो गया है 11:19 और मुंगनी भी मेरे साथ जा रही है तो क्योंकि मुंगनी का अभी ऑफ था। और गाइस आपने तो मुझे बहुत मिस किया हुआ है ना, क्या करें, इधर चलो क्लास के पीछे ये ना मिस कमेंट में जरूर लिखना है। तक के मिस किया को कोई मिस नहीं करा, कमेंट में लिखिएगा मतलब बंदा लिखेगा, ये फैंस लिखेंगे फैंस, अच्छा इनके फैंस लिख देना अगर आपने कमेंट में लिखना किस किसने कमेंट नहीं होता है कमेंट तो उसके बाद हम पता क्या देसी भाषा बोलते ना इसलिए हमें कौन सा इंटरव्यू देना कहीं। अच्छा ठीक है, और उसके बाद हम पहुंच चुके हैं टोल प्लाजा और यहाँ पे बहुत लगता है जाम क्योंकि पैसे नहीं है उतरते क्या हो सकते हैं। खोलो खिड़की, पैसे गरी चाहिए, हम दे दें गरी, दे दो भैया एक दो दे दो, दस वाले दो दे दो, सभी खिड़की मड़ा रज्जी नहीं खुली। तो ये 10 रुपए का है, हाँ ये वाला बड़ा है। बस मैं बता दी थी मुंगनी भुखी यार और कुदा मेरे पैसे बचाती। और हम जा रहे हैं अभी जम्मू, तो अभी जाके मेरा है प्रैक्टिकल सॉरी डेमो है आज रिसेप्शन ब्राइड का, तो उसके बाद फिर मुझे आज हेयर ट्रीटमेंट लेना है नैनोप्लास्टिया, तो फिर मुझे जाना है उधर। उसके बाद शाम को मुझे जाना है मेले में, मेले में जाना है क्यों, और मैं मेले वाला ना अलग से ब्लॉग बनाऊंगी क्योंकि उससे पहले आज ब्लॉग का हम उधर जाएंगे तो आज नहीं मतलब कल हमने एसी की सर्विस करानी है गाड़ी की क्योंकि ये ठंडा नहीं कर रहा, आज ही नहीं ठंडा कर रहा, इसको पता नहीं बीच बीच में कोई दौरे पड़ते हैं। तो ठीक है चलते हैं अभी उधम सॉरी जम्मू पहुंच के। और गाइस फिर था हमारा रिसेप्शन ब्राइड का डेमो और मैम डेमो दे रहे थे तो बस हम डेमो ले रहे थे और ये रेडी हो चुके हैं, देख लो कितनी प्यारी लग रही है, तो कमेंट में जरूर बताना कि मेकअप कैसा है। आज मैं आपको लेके आ चुकी हूँ डबल ए क्रिएशन में और काफ़ी अच्छा सैलून है और यहाँ पे हम चलते हैं। सबसे पहले आपको नेल आर्ट के प्राइस देख के होंगे, उसके बाद एंट्रेंस में इनका कुछ ऐसा था और ये इनका रिसेप्शन एरिया था और उसके बाद जो भी सैलून का सामान होता वो यहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले किया होता, काफ़ी अच्छे से डिस्प्ले किया हुआ था, देख के ही लग रहा था कि मतलब कुछ अच्छा है। और उसके बाद चलते हैं हम, यहाँ पर मैं सर्विस लेने आई हूँ एक, और
बस सर्विस लेके हम आपको रिव्यू देते हैं कि सर्विस कैसे है। और उसके बाद इनका ना डबल स्टोरी था, ये तो ऊपर भी फ्लोर था इन्होंने बनाया हुआ, तो ऊपर भी हेयर का था क्योंकि इनका सैलून जो है वो यूनिसेक्स है। तो यहाँ पे वैक्सिंग के लिए इन्होंने अलग से कैबिन बनाया जो कि काफ़ी अच्छा था, और उसके बाद जो लेडीज़ के लिए मेकअप होता है वो अलग से बनाया उन्होंने रूम, वो भी काफ़ी अच्छा था। और उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट जो था वो शुरू हो गया था, और मैं ट्रीटमेंट जो ले रही थी वो नैनोप्लास्टी ले रही थी। सबसे पहले उसके लिए मेरा हेड वॉश हुआ, और उसके बाद इन्होंने जो भी हेड वॉश के इनके रूल्स होते हैं वो उन्होंने फॉलो किए, और काफ़ी अच्छे से इन्होंने हेड वॉश किया। नहीं तो कुछ लोग होते जो मुंह पे पानी गिरा देते हैं। उसके बाद इन्होंने मेरे हेयर्स कुछ इस तरह से दिख रहे थे, अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ था उससे पहले कि मेरे हेयर थे। उसके बाद इन्होंने ड्रायर किया और काफ़ी अच्छे से मतलब सारा काम अच्छे से कर रहे थे। और उसके बाद ये रहा इनका प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट था जो कि इनको डायरेक्ट अप्लाई करना था, और उसके बाद बस ये सेशन वाइज अप्लाई कर रहे थे और काफ़ी अच्छे से अप्लाई कर रहे थे। कभी कोई मतलब मैंने तो काफ़ी सर्विस ली है तो उन मतलब बाल खींचते हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था। उसके बाद इन्होंने वॉश किया, और वॉश करने के बाद लाइक कुछ ऐसे बाल दिख रहे थे पहले से और अभी से, कितना फ़र्क पड़ गया। और उसके बाद आयनिंग करते हैं जो कि इनका लास्ट प्रोसीजर होता है। ये लाइन आइनिंग के बाद बस हियर इज़ माई लास्ट लुक। तो मुझे अपने हेयर्स बहुत ही अच्छे लगे, इवन ये वीडियो तो मैं बाद में एडिट कर रही हूँ, तो अभी तक मेरे हेयर्स बहुत अच्छे हैं, मे बी वॉश के बाद भी काफ़ी अच्छे होंगे। और मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आपको यहाँ पे विज़िट करना चाहिए, और रेट भी काफ़ी रीज़नेबल है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक आईडी मेंशन कर रही हूँ, आप उनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरे बाल कैसे लगे। थैंक यू, लव यू ऑल, बाई।